सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माइनर न्यू बैंक। सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 5K कार्ड का एटीएम टेस्ट। आपकी काफ़ी डिमांड थी और लाइक गेम भी कंप्लीट हो चुका था। सो ये होने वाला है 4x टेस्ट, यानी कि हम 4 एटीएम में 5 का कार्ड यूज़ करके देखेंगे ताकि ये वर्क करता है नहीं। 5 ने अपने लेटर में लिखा था ताकि इनका कार्ड वर्क करेगा और कस्टमर केयर ने भी यही कहा था। सो देखने वाली बात होगी ताकि इसे हर एटीएम में वर्क करेगा, किसी में नहीं करेगा या सिलेक्टेड एटीएम पे वर्क करेगा, इसलिए हम 4 एटीएम पे गए थे। सो चलते हैं फटाफट टेस्ट की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पे RBL बैंक के ATM में। सबसे पहले हमने कार्ड इंसर्ट किया और यहाँ पे आ रहे हैं, हम अपना पिन एंटर कर लेंगे। अभी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है। ऐसे हम सबसे पहले आए हैं RBL के ATM में और देखते हैं इसमें कार्ड कैश विड्रॉ वर्क करता है या ना फिर नहीं। हम करेंगे कैश विड्रॉ, 200 हम अमाउंट डालेंगे। मिनिमम हम ATM से 200 विड्रॉ कर सकते हैं। हम 200 डालेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जब मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, रिसिप्ट का पूछा, मैंने रिसिप्ट पे यस किया और यहाँ पे आ रहा है अनेबल टू प्रेजेंट रिसिप्ट, तो हम बिना रिसिप्ट के भी ले लेंगे। हमने यस पिया किया लेकिन ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल होगी, यानी कि इस ATM में वर्क नहीं करा। सो चलते हैं अगले ATM की और देखते हैं वहाँ वर्क करता है। हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक का ATM, यहाँ पे भी हम कार्ड इंसर्ट करेंगे। कार्ड इंसर्ट करने के बाद फिर से हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले ATM डैश मार्जिन पे आया 5K कार्ड का अनबॉक्सिंग। हमने शॉप पे भी डैश कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे हर चीज़ सबसे पहले आती है। हम 1K के काफ़ी नज़दीक हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा दीजिए। हमने फटाफट 1K करनी है। हमने 200 डाल के कंटिन्यू के क्लिक किया। यहाँ पर हम अपना पिन एंटर करके कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन इज बींग प्रोसेस में आ चुकी है। ये देखने वाली बात होगी ताकि ये सिर्फ एक ATM पे नहीं वर्क किया, क्या पता इस पे भी ना करे, क्या पता अगलों पे कर जाए। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैंसिल होगी। उसके बाद हम आए हैं SBI के योनो बैंक के ATM में, मतलब योनो SBI योनो लिखा हुआ है, ऐड SBI का ATM है। उसके बाद हम यहाँ पे कार्ड यानी कि पिन एंटर करेंगे फिर से। ये 3rd ATM है, देखते हैं यहाँ पे वर्क करता है या फिर नहीं। एंड में हम PNB पे भी ट्राई करेंगे क्योंकि वहाँ पे वर्क कर जाएगा शायद। हम यहाँ पे 200 अमाउंट डालेंगे मिनिमम और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पे फिर से ट्रांजैक्शन कैंसिल। अब चलते हैं लास्ट की और अब हम देखते हैं ताकि ये वर्क करता है या 5 का कार्ड मतलब नहीं करेगा ATM में वर्क, ये फाइनल हो जाएगा। PNB के ATM पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने कार्ड इंसर्ट किया, फिर से हमने एक बार पिन एंटर किया, सेम प्रोसेस फॉलो किया और उसके बाद प्रेस या जैसा बटन है वहाँ पर एंटर पर क्लिक किया। हमने चूज़ किया कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ चूज़ करने के बाद हम फिर से डायल करते हैं कैश विड्रॉ पे। उसके बाद हम सेविंग चूज़ करते हैं, रिसिप्ट हम हमेशा यस करेंगे और उसके बाद हम अपना फटाफट से पिन एंटर कर लेते हैं। अमाउंट एंटर कर ली, मतलब 200 हमने एंटर किया और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस और फिर से ट्रांजैक्शन कैंसिल हो चुकी है, अमाउंट नहीं आई बाहर। 5 का कहना था उनका कार्ड वर्क करेगा लेकिन ये नहीं किया। सो मैंने 5 से बात की, वो चेक करेंगे, उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा क्योंकि ये वर्क करना चाहिए था। सो पार्ट 2 में हम 5 का फिर से ATM टेस्ट करेंगे। सो सब्सक्राइब कर देना। वेट टेल नेक्स्ट वीडियो, बाय।